इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहते हैं इस पर? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है, हमारे आबाओ अजदाद ने। ये मुल्क इन लुटेरों ने आज़ाद नहीं किया है, ये तो अभी के आए हुए लोग हैं। इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए लड़े और हमारी मुस्तकबिल और हमारी फ्यूचर और हमें हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। और इमरान खान सिर्फ लाहौर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की रेड लाइन है। जो भी हाथ लगाएगा उनका हाथ हम काट देंगे। ये आवाम ऐसे नहीं है, ये हमें इस तरह न समझे कि हम इस तरह आराम से बैठे रहेंगे। अभी भी मैं चांदनी चौक मरी रोड से होके आया हूँ, हमने आंसू गैस की शेलिंग कही, हमारे ऊपर पराई रास बच्चों के ऊपर उन्होंने आंसू गैस फायर किए। ये सरासर ज्यादा किस तरह मुल्क है, किधर है चीफ जस्टिस साहब? ये जो खुद नोटिस लेते रहते हैं ना, तो ले ले रहे खुद नोटिस। ये तोशाखाने में ये केस बना रहे हैं, ये तोशाखाना सिर्फ इमरान खान ने लिया है। ये जो हजारों तोहफे ये डाकू लेके गए हैं, ये यहाँ पर माजरत के साथ आपके बहुत सारे साहबी बिरादरी ने भी तोशाखाने से मुस्तफीद हुए, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करे? ये जो मौलवी साहिबान ने गलियाँ ले ली, सब कुछ ले ली, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करे? एक इमरान खान ने सिर्फ एक गली ली है, पूरा मुल्क आपका अदलिया, आपका मुखन्निना, आपका इंतजामिया और आपका मीडिया पूरे पिछले एक साल से एक ही रोना रो रहे, तोशाखाना क्या निकला है तोशाखाना से। इसलिए हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस साहब से, अगर उनके साथ इंसाफ है और वो खुद नोटिस ले सकते हैं, तो खुदारा इस मुल्क को तबाही के दलदल में मत धकेले। खुदारा खुद नोटिस ले ले और इसको इसका पूरी तौर पर तदारुक किया जाए। गिरफ्तारी हम कभी इमरान खान की नहीं मानेंगे।